मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहो रात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति ही शांति ही शांति ही सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञतां विजानतां अविज्ञातं विजानतां विज्ञातं अविजानतां यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातं अविजानतां प्रतिबोधविदितं मतं
amratatvam hi vindate atmana vindate viryam vidyaya vindate amratam pratibodha viditam matam amratatvam hi vindate Atmana vindate viryam Vidyaya vindate mratam Vidyaya vindate mratam ये 60वें पेज की भाष्य को एक बार देख डालिए, हिंदी इसकी हो गई। शिष्य आचार्य संवादात प्रतिनिवृत्त स्वीन रूपेण श्रुति ही समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम एव बोधयति यस्य अमृतम इत्यादिना यस्य ब्रह्मविद अमतम अविज्ञातम अवितीतम ब्रह्मा इति मतम अभिप्रायः निश्चयः तस्य मतम ज्ञातम सम्यक् ब्रह्मा इति अभिप्रायः यस्य पुनः ज्ञातम विदितम ब्रह्मा इति निश्चयः न वेद एव सः न ब्रह्म विजानीति विजानाति सः विद्वत अविदिशो हो यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति अविज्ञताम विजानताम इति अविज्ञातम अमतम अविदितम एव ब्रह्म विजानताम सम्यक् विदितवताम इति एतत् विज्ञातां विदितं ब्रह्म अविजानतां सम्यक् दर्शिनां इन्द्रिय मनो बुद्धिषु एव आत्मदर्शिनां इत्यर्थः न तु अत्यन्तम् एव अव्युत्पन्न बुद्धिनां नहि तेषां विज्ञातम् अस्माभिः ब्रह्म इति मतिः भवति इन्द्रिय मनो बुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शिनां तु ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलभ्यता अनुपलभ्यात् बुद्धि आदि भी उपादे च विज्ञातत्वात् विदितं ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति इति यतो हो असम्यक् दर्शनं पूर्वपक्षत्वेन उपन्यस्ते विज्ञातम् अविजानतामिति अथवा हेत्वर्थौ उत्तरार्धौ अविज्ञातम् इत्यादि अविज्ञातम् विजानताम् इति अवधृतम् यदि ब्रह्म अत्यंतम् एव अविज्ञातम् लौकिकानाम् ब्रह्मविदाम् च अविशेष प्राप्तः अविज्ञताम् विजानात् इति च परस्पर विरुद्धम् कथं तु तद्ब्रह्म सम्यक् विदितं भवति इति एवम् अर्थम् आह भाष्य यहां से प्रारंभ किया शिष्य आचार्य संवादात् यहां से भाष्य प्रारंभ किया था यहीं से देखिए शिष्य और आचार्य के संवाद से अब श्रुति क्या करती है लौटती है मतलब वह जो संवाद हो रहा था क्या संवाद हो रहा था गुरु ने उस शिष्य को ज्ञान दिया और फिर उसके बाद गुरु ने उससे पूछा हे शिष्य तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया तुमने ब्रह्म को जान लिया और उसने जो पहला उत्तर दिया
कि मैंने तो गुरुजी ब्रह्म को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया। गुरु को आशंका हो गई कि इस शिष्य ने ठीक से ब्रह्म को नहीं जाना है। जो ब्रह्म को ऐसा कहता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया, वह शिष्य कभी भी ब्रह्म को नहीं जान सकता। मतलब कभी भी व्यवहार में भी कोई आपसे यह कहता हुआ मिल जाए कि मैंने ब्रह्म को जान लिया और मुझे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आ गया, तब आप समझ लेना इसने ब्रह्म को नहीं जाना। विद्वान लोग ऐसे अधिकारी पर, ऐसे शिष्य पर मुस्कुराते हैं और हंसते हैं जो यह कहता है कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरीके से, बोले मैंने तो इतने उपनिषद पढ़े, इतने सारे गुरु पकड़े और मुझे तो ब्रह्म को मैंने अच्छी तरीके से जान लिया। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो मुस्कुराता है और उसको समझ में आ जाता है इसने ब्रह्म को नहीं जाना। आचार्य ने उससे कहा, क्या कहा, मीमांस्यम एव, जाओ यहां से वापस जाओ और क्या करो, एकांतम, एकांत में जाओ, वहां पर बैठो, समाहितः, समाहित हो जाओ, विचार्य, विचार करो, विचार करने के बाद किसी निश्चय पर पहुंचो और उसमें तर्क करो और तर्क करने के बाद स्वानुभवम कृत्वा और अनुभव को प्राप्त करो। ये सब साधना हो गई। एकांत में जाना, एकांत में जाना, वहां मन को समाहित करना, समाहित करने के बाद आचार्य से सुने गए वाक्यों का फिर से विचार करना, विचार करने पर तर्क का सहारा लेना, तर्क से सहारा लेने के बाद किसी निश्चय पर पहुंचना और उस निश्चय को अपने अनुभव में देख लेना। इतनी साधना हो गई। ये हो गया साधन का मार्ग। स्वानुभवम कृत्वा, जाके अपना अनुभव करो। अब की बार शिष्य आया तो वो कहते हैं, ना हम मन्ने सुवेदे थी, मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, ना हम मन्ने, मैंने ब्रह्म को नहीं जाना। अब गुरु को समझ में आ गया कि ये कह रहा है कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरीके से नहीं जाना। तो गुरु ने पूछा कि कम तरीके से जान लिया या अच्छे से जान लिया, वो कहता है मैंने ना कम जाना ना मैंने उसको ज्यादा जाना, लेकिन अहम मन्य, मैं क्या मानता हूं, मैं समझ तो गया हूं गुरु जी। और अब गुरु को ये बात समझ में आ गई कि ये शिष्य ने ब्रह्म को क्या कर लिया है, जान लिया है, क्योंकि वह किसी विशेष और सामान्य रूप से वर्णन नहीं करता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। अब ये जो आचार्य और शिष्य का संवाद हो रहा था, यह जो संवाद था ये समाप्त हो गया। इसलिए श्रुति क्या कहती है, शिष्य आचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य, इनसे लौटकर केनोपनिषद अपनी श्रुति पर वापस आती है। देखो पढ़ तो कुछ और रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, हाँ ये तो आचार्य ने ही बोला था ना, इसके पहले क्या चर्चा चल रही थी। ओहो क्या बुद्धि है भाई, यदि मन से तो आचार्य और शिष्य का संवाद है, ये आचार्य शिष्य आ कहां से गए थे। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः अथ केन प्रयुक्तोयम्, ये कौन प्रयुक्त कर रहा है,
किसमें? श्रोत्र में, श्रोतस्य श्रोत्रम। बोले वो श्रोत्र का श्रोत्र है, ये प्रश्न था मूल। इसको समझाने के लिए क्या आ गया, ये आचार्य और शिष्य का संवाद आया था। तो श्रुति अपने पुराने उपदेश पर लौट कर आ जाती है और आचार्य शिष्य के संवाद को क्या करती है, समाप्त करती है। शिष्य आचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य स्वेन रूपेण श्रुति ही समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम। क्या करती है श्रुति, अपनी ओर से जो भी कुछ कहा है उसको समाप्त करके, जो इनकी आचार्य और शिष्य हो रही है, अब एक नया चीज बोलती है। वह जो आचार्य और शिष्य के बीच जो संवाद हुआ था, श्रुति पूरे संवाद को समाप्त करते हुए एक मंत्र में निचोड़ दे देती है। किसका निचोड़ दे देती है? संवाद का। क्या इनके बीच में संवाद हुआ? बोले वह एक मंत्र में दे दे रही हूं। वह मंत्र क्या है, देखो कल आप इसका अर्थ देख चुके, यस्य अमतम तस्य मतम। अच्छा, हालांकि एक बड़ी अच्छी चीज थी, यह जो ये पुराना दिखा रहा हूं, यह जो शिष्य आया था दोबारा, याद आया आपको, और एक शब्द आया था जगरजुह। जगरजुह बड़ा भाई गरज के बोल रहा है, बड़ा आत्मविश्वास से बोल रहा है, मतलब इसकी जो क्या कह सकते हैं, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी सशक्त दिखती है, आत्मविश्वास से भरपूर दिखती है। तो किसी ने प्रतिप्रश्न उठाया, प्रतिप्रश्न क्या उठाया, इस शिष्य में ये बल कहां से आया, ये जगरजू हो, ये तो महाराज बड़ा ज्ञानी था, पहले डरपोक से घूमता था, आज बड़ा गरज रहा यहां पे आके। तो भाष्यकार ने शिष्य में दो बल बताए, भाष्यकार ने शिष्य में दो बल बताए। देखो आपकी इसमें पुस्तक में 153 है। क्या पहला बल है? आचार्य आगम संप्रदाय बल। हालांकि मुझे बहुत ईमानदारी से कहना पड़ रहा है कि मुझे और मेहनत अभी इसमें करनी चाहिए, इसमें इतना रहस्य छिपा हुआ है कि आपको क्या बताऊं। आचार्य आगम संप्रदाय बल, ये गरज क्यों रहा है? क्योंकि इसके पास दो टाइप के बल हैं, इसलिए गरजा के, पहले नहीं गरज रहा था। तो पहले बल का नाम क्या है? आचार्य आगम संप्रदाय बल। बोलते हैं इस बल में, अभी देखो इनकी भाषा है, पहले बल में तीन धागों को बट कर रस्सी तैयार की गई, तीन प्रकार के धागे थे और उनको बनाकर एक रस्सी बनाई गई। बोले वो तीन धागे क्या थे? बोलते हैं पहला धागा था आचार्य, दूसरा धागा था आगम और तीसरा धागा था संप्रदाय बल। इसी को तीनों को मिलाकर एक शब्द कह दिया गया, आचार्य आगम संप्रदाय बल। मेरे ख्याल से आपको भाष्य में शब्द मिला होगा, ये अंडरलाइन कराया होगा मैंने। मिल गया आपको सबको? कहाँ है? कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। 58 देख रहे हैं, कुछ लोगों की मुंडी इधर उधर घूम रही है। 58 में कहाँ आए? सातवीं पंक्ति देखिए भाई, ये जब अभी कुर्सी खाली है तो आप आगे क्यों नहीं आ जाते आप लोग, इतना पीछे क्यों बैठे भाई सब, आगे आ जाइए, बरसात हो रही और आवाज आएगी। या तो क्या बोलते हैं, कुर्सी से ही आ सकती होगी, बोले स्थाना सकती है, बोले ज्ञान हमको इसी पे हुआ है आज तक, तो यहीं पे होगा। ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी को रहता है
इसी पे ज्ञान हुआ है। मूर्खतापूर्ण काम ये किया, मूर्खतापूर्ण ये किया आपने नहीं, हमने किया। जिस आसन पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे 3 साल, अब तो वहां भी आचार्य ने कहा भगो यहां से हो गया 2.5 साल जाओ। तो हम तो पीछे लग गए कि हमको हमारा वाला आसन चाहिए। वो बोलते ट्रस्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है, सब विद्यार्थी अगर आसन ले जाएंगे अपना तो अगले बैच में फिर आसन कहां से आएगा। मैंने कहा कुछ भी कर लो मुझे मेरा वाला आसन चाहिए बस। और नहीं माने, मैंने अपना आसन, और 2 आसन थे अपने महाराज, अच्छे चौड़ा करके बैठते थे बढ़िया, वो दोनों आसन हम अपने, अब आप सोचो वो आसन इतने बड़े हैं थे, उसको कैसे लाए होंगे सूट को इसमें बटोर बटा रखे। लेकिन मैं उस अच्छा वो आसन यहाँ पे भी ला के रख लिया, मैंने उसी पे रहता हूँ, अभी पूजा करता हूँ। तो आसन की भी आसक्ति होती, हमें भी हुई, इसलिए मैं पता है कि उसी कुर्सी बैठेंगे। बोले यही एंगल ठीक लगता है, यहाँ सुनाई दिमाग काम करता है हमारा, ठीक है। खैर, आचार्य आगम संप्रदाय बल, ये 3 चीजें हैं। मिल गया सबको? 98 पेज की है 7वीं पंक्ति है, सब मिल गया 7वीं पंक्ति है? इसका है 153। अच्छा, यद्यपि भाई इसको ये क्या बोलते हैं, इसको 3 धागे हैं, 3 धागों को 1 रस्सी बना दी, बट के 1 रस्सी बना दी। और ये बोलते हैं प्रत्येक धागा का अपना तो कुछ बल होता ही है, और 3 धागे मिल जाएं तो क्या बल उत्पत्ति होगी फिर। तो बोलते हैं प्रत्येक धागा में कुछ बल तो रहता है, लेकिन जब बटे होकर 1 रस्सी बन जाएं तो उनमें तो कई गुना बल आ जाता है। भाष्यकार ने आचार्य उपदेश परंपरा आगम परंपरा विच्छेदम कहा था, यहां संप्रदाय की बात है, बात एक ही है, क्योंकि ये बात पहले भी आ चुकी है संप्रदाय की। तो यह ठीक है कि 100 भी अंधे रूप के बारे में कहें तो प्रमाण नहीं होते, लेकिन 100 आंख वाले किसी को हरा कह दें तो जब उसे काला समझ रहा था तो वह अवश्य अपनी आंखें परीक्षणीय समझता है। यद्यपि आचार्य ही पर्याप्त है, यद्यपि आचार्य ही पर्याप्त है, तथापि जब परंपरा का संवाद मिल जाए तब तो ओहो निश्चय तो और उत्साह बढ़ जाता है। एक तो आचार्य मिल जावे, और आचार्य भी कैसा मिल गया भाई, गुरु बहुत मिल जाते हैं, पढ़ाने वालों क्या कमी। लेकिन इतना जरूर है उपनिषद पढ़ाने वाले गुरु हाँ ये नहीं मिलते, भागवत पढ़ाने वाले मिल जाएंगे आपको, और सब चीजें मिल जाएंगी, उपनिषद नहीं पढ़ा सकता, उपनिषद के लिए तो जान चली जाएगी। तो उपनिषद पढ़ाने वाला कोई आचार्य मिल जाए, अच्छा मिल भी गया, अब उसने अपने मन से ही सब पढ़ पढ़ डाला है और अंडरलाइन करके रख दी किताब, बोले वो नहीं, वह भी परंपरा से पढ़ा हुए खुद भी पहले, भाई अच्छे गुरु की निशानी वह है जो पहले स्वयं ही शिष्य बने। आपने यह लोकोक्ति सुनी होगी, अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता होता है, बहुत बड़ी वाक्य है। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो उसके लिए पहले अच्छा क्या बनना पड़ेगा, श्रोता, मतलब कान एकदम खड़े होकर सुनना चाहिए, तो फिर वो व्यक्ति अच्छा वक्ता बनता है। तो भाई अच्छा फिर तो यद्यपि आचार्य ही पर्याप्त है, तथापि जब परंपरा का संवाद मिल जाता है तो उत्साह बढ़ जाता है। बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले तत्व बोध संभव नहीं है, और जिसको लगता है कि तत्व का बोध हो गया, हमारे स्वामी जी उसको कहते हैं तत्वाभास हो गया है, तत्व बोध तो नहीं हुआ,
तत्वाभास हो गया है, ऐसा लगता है कि तत्व का बोध हो गया है, लेकिन वो तत्व का बोध वास्तव में है नहीं। तो क्या बोलते हैं, बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले तत्व बोध संभव नहीं है, यह श्रौत्र मर्यादा सूचित की जा रही है। तो कुछ लोग समझते हैं कि असंप्रदाय विभिन्न व्यक्तियों का संवाद एक वाक्यत्व, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं इसमें, तो क्या बनाएं आपको। वेदांत आचार्यों की घोषणा है, जो संप्रदाय नहीं जानता है वैसे ही उपेक्षा के योग्य है जैसे कोई मूर्ख। अरे राम राम, देखो क्या बोलते हैं, वेदांत आचार्यों की घोषणा है, जो संप्रदाय नहीं जानता वह उपेक्षा के योग्य है जैसे कि मूर्ख व्यक्ति। बोले जी, चाहे शास्त्र उसने सब बांच के रखे हुए, बांच के मतलब पढ़ के रखे हुए, सुनाता भी हुए, लेकिन किसी संप्रदाय में नहीं आता। ज्ञान संप्रदाय इस बात पर बल देता है कि विचार में नवीनता होवे। देखो विचार में, देखो अब जब आप आधुनिक हो रहे हैं तो आचार्य को भी ये चाहिए कि वह सिद्धांत को थोड़ा सा समझाए, तो उस दृष्टि से समझाए जिससे आपको क्या हो जाए समझ में। बट वो समझाएगा तब जब पहले खुद समझा होगा। जब पहले खुद ही नहीं समझा होएगा तो विचार में नवीनता कहां से आ जाएगी, बनता है ना। तो विचार में नवीनता, तो ज्ञान संप्रदाय इस बात पर बल देता है कि विचार में नवीनता हो, पूर्व पक्ष का उपस्थापन घोरतर हो और खूब प्रश्न किए जाएं, खूब पूर्व पक्ष पैदा किया जाए और शंकाओं की कल्पना की जाए। श्रुति, गीता, सूत्र, गौड़पाद कारिका, भाष्य, वार्तिक, पद्मना, भामति, विवरण, संक्षेप, शारीरिक खंडन, चित्सुकी, नरसिंह आश्रम, शंकरानंद, विद्यारण्य, मधुसूदन, आपाक्षित और ब्रह्मानंद का आपात अवलोकन भी, ये सब महाराज संप्रदाय के ग्रंथ हैं। ये जो आपको मैंने गिनाए, ये जो कोई सही साधक होता है, साधु, तो वो इन सब का जरूर अध्ययन करता है। इसका अध्ययन ही व्यक्ति की बुद्धि को सशक्त बनाता है। तो कुछ तो हैं बहुत सारे इसमें मेरे पास अभी, संक्षेप, शारीरिक खंडन, चित्सुकी, नरसिंह आश्रम, शंकरानंद, विद्यारण्य, मधुसूदनी, अप्य दीक्षित। अच्छा, इनमें से किसी ने भी स्वयं को पुराने ढर्रे में बांध कर नहीं रखा, सभी ने कई तरह की नई संकल्पनाएं उपस्थित की, विचार परिपाटी में ही अंतर लाया है। किसी ने रहस्यात्मक अनुभूति की ओर से प्रवृत्ति की तो किसी ने आचारात्मक अभिव्यक्ति की, सार्थकता के आधार पर सत्य का महत्व समझा है। किसी ने वचन सामाज को स्थापित करने के लिए, आप पढ़िएगा अगर आपके पास किताब हो, बहुत अच्छा अच्छा लिखा है इसमें। तो एक प्रश्न उठाया है, शंका होगी कि इतनी स्वतंत्रता है तो संप्रदाय पर इतना बल क्यों देते हैं आप, संप्रदाय पर इतना बल क्यों देते हैं। तो इसका समाधान तो सूचित ही किया जा चुका है कि यह एक सुरक्षा प्रबंध है। जो संप्रदाय है वो क्या है, एक सुरक्षा प्रबंध है। तात्पर्य है कि सामान्य व्यक्ति ऐसी प्रज्ञा वाला नहीं है जो खुद सत्य समझे, अतः उसके लिए एक सुरक्षित प्रारूप निर्मित किया गया जिससे वह कदम कदम आगे बढ़ सके। मतलब भाई, कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ भी सोच लेगा तो वह सही है या तो जरूरी नहीं है, जब तक वह संप्रदाय से उस चीज को प्रमाणित नहीं करता। कथानक के अनुसार आचार्य ने काशी के चांडाल से यह नहीं पूछा कि तुम किस गुरु के शिष्य हो,
उन्होंने सीधे ही स्वीकारा कि सत्य प्रज्ञा जहाँ है वहाँ ब्रह्मविद ब्रह्म ही है। उसकी संप्रदायहीनता से वह उपेक्षणीय हो सकता है, लेकिन वेदांत मर्यादा उसके ब्रह्मत्व ज्ञान में शंका नहीं रखती। लोक में भी परीक्षित यदि परीक्षित में अन्य परीक्षा का मूल्य अधिक होता है, इसके बजाय जब परीक्ष ही परीक्षक हो, आपके लिए बड़ा कठिन पड़ेगा। और तीसरा धागा है आगम, बहुत सुंदर है। अच्छा भाई, तो एक एक बल कौन सा हो गया? तीन चीजें बल हैं, तीन धागा है इसमें। क्या है? आचार्य, आगम और संप्रदाय। ये तीन चीजें याद रखनी चाहिए, आचार्य, आगम और संप्रदाय का बल। ये वेदांत के शिष्य के पास होना चाहिए। दूसरा बल है उपपत्ति अनुभव बल। दूसरे बल का नाम क्या है? उपपत्ति अनुभव बल। हाँ, वह चीज आपके अनुभव में भी थोड़ा बहुत आवे, कुछ बुद्धि में समझ में तो आवे, सिर्फ वाचने के लिए रह गया, बोलने के लिए रह गया, तो फिर वो आपका स्वयं का कोई अनुभव तो इस बारे में है ही नहीं। तो आप बाच रहे हैं, किताब लिखने वाला क्या करता है? किताब लिखने वाला उसने सब लिख डाला, लेकिन आप उससे पूछो कि तुमको कुछ समझ में आया, तुम्हारा जीवन क्या है, तो क्या कहेगा? अरे हमारे जो प्रेस है, हमारा बड़ा CCMT 70 साल से किताब छाप रहा है वो, और आगे भी छाप छाप के ही मरेगा। तो वेदांत के इतने ग्रंथ छाप चुका वो, लेकिन आप उससे पूछो कि उसको ज्ञान हो गया, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? कोई ज्ञान नहीं हुआ, उसने तो उठाया, सुना और क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये तो मशीन का काम है, तो क्या कह सकते? कर्मचारी है तो कर्मचारी अपना काम कर रहा है, वो इसी विधा में निपुण है तो लिख रहा है। लेकिन कोई इसको लिख भी दे तो भी वह ज्ञानी हो जावे, ऐसा भी जरूरी नहीं। देखो जी, उसका स्वयं का जीवन के प्रति अनुभव क्या है, ये क्या है, उपपत्ति क्या है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। बहुत देखो, दो दो तीन तीन पन्ने महाराज बहुत बड़े बड़े लिखे हैं इसमें। अब यस्या मतम, यस्य अमतम तस्य मतम, मिल गया? यस्य अमतम तस्य मतम, जिसने यह जान लिया, क्या जान लिया, कि वो नहीं जाना जा सकता, उसी ने जान लिया। जिसका यह मत है कि ब्रह्म अमत है, उसी ने ठीक जाना। मैंने कल इसको कहा था, तोड़ लीजिए इसको शब्दों में, तोड़ा आपने, यस्य अमतम तस्य मतम, मिलता है? और जिसका ऐसा नहीं है मत, यस्य न, यस्य न मतलब क्या हो गया? जिसने बोला नहीं नहीं ब्रह्म तो मतम है, बोलते न वेद सह, उसने ब्रह्म को क्या किया, नहीं जाना। और दूसरी लाइन और अच्छी बोल दी, दूसरी लाइन क्या बोल दी? विजानताम, उसने ब्रह्म को जान लिया। विजानताम, किसने जान लिया? जिसने यह समझा कि ब्रह्म अविज्ञात है, जिसने यह समझा कि ब्रह्म कैसा है, अविज्ञात है, उसने ब्रह्म को जान लिया।
और जिसने यह समझा विज्ञातम उसने ब्रह्म को अविजानताम, उसने ब्रह्म को नहीं जाना। मिल गया, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसका ले हाँ, और सरल वो ब्रह्म के बारे में बता रही, ब्रह्म कैसा है अविज्ञात, ब्रह्म कैसा है अविज्ञात, यह ब्रह्म का स्वरूप है या उसके ज्ञान का स्वरूप है, कौन सा? पहला मतम, जिसने यह जान लिया कि मैंने जान लिया, उसने नहीं जाना। बोले क्या जान लिया और क्या नहीं जाना, बोले उसका उत्तर क्या कर दिया, दूसरे उत्तर में, दूसरी पंक्ति में दिया, क्या उत्तर दिया, जिसने ब्रह्म को अविज्ञात समझा, अविज्ञात, उसने ब्रह्म को क्या कर लिया, विजानताम, और जिसने ब्रह्म को ये समझा कि विज्ञातम, ओहो मैं तो ब्रह्म को जान सकता हूं अपनी बुद्धि से, उसने ब्रह्म को नहीं समझा। जरा भाष्य देखिएगा इसका अर्थ जल्दी से यार। यस्य ब्रह्मविदः अमतम, अमतम, अमतम का अर्थ क्या दिया, अविज्ञातम, अविज्ञातम का अर्थ क्या दिया, अविदितम, ब्रह्म इति मतम, जिस ब्रह्मवेत्ता को यह निश्चय हो गया कि वह ब्रह्म मुझे ज्ञात नहीं है, वह ब्रह्म विदित नहीं है। आप देखो शब्द ले आए विदितम अविदितम से ही व्याख्या कर रहे हैं ये, वह ब्रह्म विदित नहीं है, वह ब्रह्म मतम नहीं है, जिस ब्रह्मवेत्ता को यह ज्ञान हो गया, ऐसा निश्चय हो गया कि ब्रह्म मुझे ज्ञात नहीं है, उसके द्वारा यथार्थ रूप से, जिसके द्वारा यह ज्ञात हो गया समझ लो, और जिसका विश्वास है कि ब्रह्म मेरे द्वारा जान लिया गया, यस्य पुनः ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म, अरे बोले मैंने तो ब्रह्म को जान लिया, इति निश्चय न वेद सह न ब्रह्म विजानाति, उसने ब्रह्म को नहीं जाना। इतनी पंक्ति समझ में आ गई है, ये भाष्य समझ में आ गया जो अभी पढ़ा गया। यस्य ब्रह्मविदः अमतम अविज्ञातम अविदितम ब्रह्म, देखो अमतम के कितने अर्थ कर दिए, अविज्ञातम अविदितम, ब्रह्म इति मतम ऐसा मानता है, निश्चय तस्य मतम ज्ञातम सम्यक ब्रह्म, इसका मतलब उसने ब्रह्म को सम्यक रूप से क्या कर लिया, समझ लिया। लेकिन यस्य पुनः मतम ज्ञातम विदितम, जिसने ये समझ लिया कि ब्रह्म विदित है, ब्रह्म को जाना जा सकता है, उसने ब्रह्म को क्या किया, नहीं जाना। अब आगे भाष्य देखिए, विद्वत अविदुषो हो यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति अविज्ञातम विजानताम, मिल गया क्या बोलते हैं हिंदी, जानने वालों के लिए यह अज्ञात है, जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म को कैसा समझता है, ब्रह्म अज्ञात है, और दूसरा भाई क्या समझता है, ब्रह्म क्या है, ज्ञात है, जिसने ज्ञात समझा उसने ब्रह्म को नहीं जाना। जानने वालों के लिए यह अज्ञात है, ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों ही, दोनों पक्षों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए कहा गया कि सम्यक रूप से जानने वालों के लिए ब्रह्म अज्ञात ही है, और सम्यक रूप से न जानने वालों अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा को देखने वालों के लिए, जो लोग ब्रह्म को क्या कहते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी ब्रह्म को नहीं जान सकते। देखो जी क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि जानने की किससे कोशिश करते हैं, मन से बुद्धि से इंद्रियों से, ब्रह्म इनकी पकड़ में कभी आने वाला है नहीं। अच्छा
अब एक ये पूरा इसका मैंने सारांश आपको बता दिया, हिंदी और पढ़ देता हूं। सम्यक रूप से न जानने वालों, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा को देखने वालों के लिए ब्रह्म ज्ञात गेय है। अत्यंत अविकसित बुद्धि वालों के लिए उनकी धारणा शक्ति परे होने के कारण ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसी धारणा ही नहीं होती कि ब्रह्म हमें ज्ञात हो गया। इंद्रिय मन तथा बुद्धि उपाधियों की आत्मा समझने वालों के लिए ब्रह्म तथा उपाधियों के बीच विवेक न होने पाने के कारण, बुद्धि और उपाधि को जानने के कारण उन्हें यह भ्रांति होना उचित ही है। क्या उचित है? मैंने ब्रह्म को जान लिया। वो यही कहेंगे कि मैंने ब्रह्म को क्या कर लिया? जान लिया। इस कारण न जानने वालों के लिए वह क्या है? ज्ञात है। ऐसा कहकर मिथ्या ज्ञान को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, अब बहुत सुंदर, एक बार यहां से देखिएगा और हम आपको, चलो पहले इसको बता देते हैं। पहले अभिज्ञातम विजानताम, यहां मिल रहा है ये अभिज्ञातम विजानताम इति औद्धृतम, ये मिल रहा है चौथे पेज पे, ये 62वें पेज पे मिला। हाँ, ऐसा निश्चय हो गया कि ज्ञानियों के लिए ब्रह्म अज्ञात है। यदि पूर्ण रूप से अज्ञात हो तो सामान्य और ब्रह्म वेत्ता के बीच कोई भेद नहीं रह जाएगा। सामान्य व्यक्ति भी क्या बोलता है कि ब्रह्म कैसा है? अज्ञात। और ज्ञानी व्यक्ति भी क्या बोलता है कि ब्रह्म कैसा है? अज्ञात। तो बोलते हैं दोनों के लिए अज्ञात है, सामान्य के लिए भी। और अब बहुत अच्छा मंत्र स्टार्ट होता है। तो इसमें तो विरोध है, अतः अब वह जो ब्रह्म है वह कैसे जाना जा सकता है, इसकी साधना के लिए ये मंत्र आ रहा है। अब इस मंत्र को इतना ही समझ लीजिए, ये मंत्र प्राण मंत्र है, इसको भी प्राण मंत्र कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और विद्वान लोगों को मैंने देखा है इस मंत्र पर एक एक दो दो महीने प्रवचन, 30-30, 30-30, 60-60 दिन। किस मंत्र पर? प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। इस मंत्र को स्वामी जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है और संभवतः कल मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये उनके मुख से आपको सुनवाऊं तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा आपको ग्राही होएगा नहीं, क्योंकि जो भाषा है और जो पूर्व पक्ष है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं भी अपना व्यक्तिगत ही कह, इसी मंत्र ने आपको खोल देगा अगर आप चाहे जाएं। ब्रह्म ज्ञान इसमें बोला ही गया है, ब्रह्म ज्ञान का ये जो द्वार है ना, द्वार ये यही मंत्र है। एक ब्रह्म ज्ञान द्वार तक व्यक्ति आ गया, अब अंदर जाने का जो रास्ता है वो यही मंत्र है। इसलिए ये करवद्ध निवेदन है, इस मंत्र को खूब अच्छे से समझिएगा और इसके जो भाष्य हैं इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा और जितनी बार हो सके उतना पढ़िएगा और एक एक चीज इसकी समझ में आपकी आ जानी चाहिए। अब ये मंत्र क्यों चालू हो रहा है, स्टार्टिंग करते हैं। यह मंत्र क्यों चालू हो रहा है? बात यह है कि ब्रह्म को क्या कह दिया गया? अज्ञात। तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी ब्रह्म कैसा है और ज्ञानी के लिए भी ब्रह्म कैसा है? अज्ञात। तो ये तो परस्परम विरुद्धम, मिल रहा है,
ये तो आपस में कैसा दिखता है, आपस में विरोध दिखता है। आप भाष्य देखो ना, अविज्ञाताम विजानताम च इति च परस्पर विरुद्धम, मिल गया। कथम तू, आगे देखिए, कथम तू तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति। अब वह शिष्य, वो जो बैठा होगा, वो ये कहता है, आप मुझे ये बताइए कि मैं ब्रह्म को कैसे जानूं? देखो, ये ब्रह्म कौन है? बोले ये कौन ब्रह्म है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम्, मनसो मनोयद, वाचो हवाचम, प्राणस्य प्राणः, जो असंगत है, याद आ गया, जो निर्विशेष है, जो संघात को प्रेरक है, यह उसको जानने के लिए यह मंत्र है। ध्यान रखना, यह मंत्र संघात को जो पहला प्रश्न पूछा था, उसने क्या पूछा था, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, केने शितम वाच मिमां वदन्ति, चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनुक्ति, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद, वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षु अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्मात् लोकाद् अमृताम् भवन्ति। यही मूल प्रश्न था केनोपनिषद का। वह जो प्रेरक है, साधक उसका अनुभव कैसे करे? ये बस, वह जो प्रेरक तत्व बताया गया, उसका, वह जो साधक है, वह उसका अनुभव कैसे करे? इसीलिए बोलते कथम तद ब्रह्म सम्यक विदितम, मिल गया आपको 64वें पेज पर ही, कथम तद ब्रह्म सम्यक विदितम, उस ब्रह्म को मैं कैसे जानूं? तो अब बोलते हैं इस मंत्र से जानो। जरा ये मंत्र देखिए, क्या कहता है मंत्र, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। वह जो ब्रह्म है, वह वृत्ति के पीछे छिपा हुआ है। वाह, वह पहुंच गया है साधक वहां तक, बस अब। कितना सुंदर चीज है, बोलते हैं वह जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वो ये, बस ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति के पीछे जो बैठा है, ये वही है। कौन? ये वही ब्रह्म है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। अमृतत्वम ही विन्दते, महाराज तुमको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। खुदी इसको जानने वाला, ओहो, अमृतत्व मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मा के द्वारा वह बल और ज्ञान के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। वीर्यम, मिल गया, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम, ये हो गया। अब इसमें जो मुख्य चीज क्या आई, वह वृत्ति के पीछे बैठा हुआ जो है, वह कौन है? वह ब्रह्म है। इसका मतलब हमको जानना किसको पड़ेगा? वृत्ति को। जैसे ही वृत्ति को जान लिया, वैसे ही मैंने ब्रह्म को क्या कर लिया? जान लिया। क्योंकि पर्दा खुला, आप समझ में आ जाएगा कि कौन है पीछे। इसका भाष्य देखिए जरा, ये प्रतिबोध विदितम, देखो जी शब्द क्या आया है, प्रति, प्रतिबोध विदितम, ये मंत्र आया। तो क्या बोलते हैं, बोधम बोधम प्रति। प्रतिबोध का अर्थ क्या बोलेंगे? बोधम बोधम प्रति, ये याद हो जाए, इसका भाषी ही याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रतिबोध का जो अर्थ करेंगे वो क्या करेंगे, बोधम बोधम प्रति। बोले ये
बोधम बोधम प्रति शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोले बोध का अर्थ क्या हुआ? ठीक है ना, एक एक शब्द खोल रहा हूं। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध का अर्थ क्या? प्रति मतलब क्या हो गया? बोधम बोधम प्रति, वह जो पकड़ में आएगा ब्रह्म, वह बोध के जरिए से पकड़ में आएगा। ओहो, बोले बोध मतलब क्या है गुरुजी? बोलते बोध, बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्याः उच्यन्ते। बोध शब्द से जो वृत्ति है वह समझना चाहिए। देखो जी, विषय का ज्ञान कराने वाली जो चीज है वह बोध है। विषय का ज्ञान कराने वाली जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? बोध। सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति यस्य सह सर्वबोधान प्रतिबुध्यन्ते। देखो जी, बुद्धि विषयक वृत्तियों को बोध कहा जाता है। अब इस पे आएंगे। जो आत्मा इन बुद्धि वृत्तियों को क्या करती है? प्रकाशन करती है। देखो जी, सर्वे प्रत्ययाः, पहले हिंदी समझ लें इतनी, फिर देखते हैं। सर्वे प्रत्यय, अप्रत्यय मतलब समझ में आ गया, प्रत्यय मतलब वृत्ति। सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवंती, ये जितनी भी वृत्तियां हैं वो सब की सब क्या बनती हैं? विषय। वाह, अभी आपको यह सिद्ध कर सकते हैं कि घड़ी को जानने वाली कौन है? वृत्ति। लेकिन वृत्ति को भी जानने वाला कोई है, इसलिए वृत्ति भी क्या बन गई? विषय बन गई। अभी ये जो मीमांसा करेंगे तभी बातें आएंगी, लेकिन अभी इतना समझिए, सभी वृत्तियां विषय हैं। सर्वे प्रत्याह विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते। उस आत्म प्रकाश से ही ये क्या करता है? ये सब प्रकार, ये तो है जड़, लेकिन आत्मा के प्रकाश से इस वृत्ति में भी क्या आ जाता है? प्रकाश। वाह, लेकिन इसके पीछे ही कौन छिपा है? ब्रह्म। किसके? ये वृत्ति के पीछे। सर्वे प्रत्याह, भाष्य खूब पढ़िए, सर्वे प्रत्याह विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते। सर्वे प्रत्ययदर्शी, मिल रहा है? सर्वे प्रत्ययदर्शी, दर्शी चित शक्ति स्वरूप मात्रैहि प्रत्ययैहि एवं प्रत्येषु अविशिष्टः तथा लक्ष्यते न अन्यद्वारम् अंतर आत्मना विज्ञानाय। वाह, यहां से देखिए, न अन्यद्वारम्, अंतर आत्मा को जानने के लिए इसके अलावा और वेदांत में कोई उपाय नहीं है। एक ही मेडिसिन है बस। अभी अगर जिसको यह समझ में नहीं आया, वह तो यह समझ ले कि अब उसको ब्रह्म समझ में नहीं आ सकता। देखो क्या स्पष्ट बोलते हैं, क्या लिखा है? न अन्य द्वारम, कोई अन्य द्वार नहीं है। किसके लिए? आत्माय विज्ञानाय, आत्मा के ज्ञान के लिए सिर्फ एक द्वार है। वो द्वार कौन है? बोले ये वृत्ति। बोले और ये वृत्ति कैसी है? बोले सर्वे प्रत्याह विषयी भवन्ति, यह आत्मा बोध वृत्तियों के द्वारा ही बोध वृत्तियों से समान रूप से व्याप्त चैतन्य शक्ति समस्त बोध वृत्तियों की दृष्टा के रूप। देखो, यह जो सर्व प्रत्यय दर्शी, मेरे ख्याल से ये बस तीन लाइन समझ में आ जाए तो आगे बढ़ते हैं। सर्व प्रत्यय दर्शी सभी प्रत्ययों का जो दर्शी है, क्योंकि प्रत्यय खुद क्या बन गई? विषय।
प्रत्यय खुद क्या बन गया, दृश्य। अब बहुत बड़ा इसमें आपको ध्यान में देखना है, प्रत्यय प्रत्यय वृत्ति क्यों बन गया, प्रत्यय दृश्य क्यों बन गया, क्योंकि वृत्ति को जाना जा रहा है। वृत्ति देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, वृत्ति जड़ है। कई सारे हेतु आएंगे, इससे एक बात सिद्ध हो जाती है। क्या सिद्ध होती है? जो वृत्ति है वह दृश्य है। अभी इतना समझिए, आ जाए, जो वृत्ति है वो क्या है, वह दृश्य है। सर्व प्रत्यय दर्शी चित शक्ति है। लेकिन इस इनको जो दर्शी, दर्शी मतलब देखने वाला है, वो कौन है? वो चित शक्ति स्वरूप मात्र ही, वो हमारा स्वरूप है। एवं प्रत्येषु अविशिष्ट तथा लक्ष्यते, उसी को दृष्टा के रूप में जाना जाता है। हो गया। अब हमको उसके न अन्य द्वारम, उसके अलावा और कोई भी द्वार नहीं है। स्पष्ट हो रहा है? अच्छा, अब इसके बारे में संक्षेप में आपको और सुनाते हैं। क्या कहते हैं देखो स्वामी जी, बोधम बोधम प्रतिबोधम विद। प्रतिबोध का अर्थ क्या हो गया? बोधम बोधम प्रति। देखो जी, भाष्यकार ने भी ये अर्थ किया है। तो वृत्ति को ही बोध कहते हैं। कुछ कुछ लाइनें हैं वो एकदम दिमाग में खूंटे की तरीके से गड़ जाए। वृत्ति को ही बोध कहते हैं। अच्छा, बौद्ध शब्देन बौद्धाः प्रत्युच्यते। अच्छा, अब थॉट कहने से वो बात नहीं बनती जो 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 शब्द क्या बहने कहने से बनती है, वृत्ति। अब इंग्लिश में जरूर शब्द क्या बोलते हैं हम लोग, थॉट, लेकिन वह चीज नहीं आ पाती जो शब्द बोलने से क्या आती, वृत्ति। अच्छा, वृत्ति को ही कभी कभी क्या बोलते हैं, प्रत्यय। वृत्ति को ही सर्वे बोला ना, सर्वे प्रत्याह, तो वृत्ति का ही दूसरा अर्थ क्या है, प्रत्यय। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझें, बहुत शुरुआत से। हमको अभी तक वृत्ति क्या समझ में आई? कामस्याः चित्तयाः दृश्याः काम संकल्प संदेहो श्रद्धा शुद्धि धृति धरे। कुछ याद आ रहा है? किस अध्याय का है ये? किस अध्याय का ये? कामास्याः चित्तया दृश्याः काम संकल्प संदेह श्रद्धा श्रद्धे। हाँ, किसी को नहीं याद? किस अध्याय का? हाँ, मूर्ख, ये दृग्दृश्य विवेक का श्लोक बोल रहा हूं, फिर तो कुछ तो भी बोले। तो खामबोध खनन न्याय किस दिन काम में आएगा? तो गीता क्यों दूसरी बार बोल दिया, और गीता की किताब भी उठा ली। देखो आप, इसका मतलब रोड़ी डालने की जरूरत है कि नहीं? और इसीलिए मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं कौन सा अध्याय है, तो आप पकड़ में तो आओ कि बोलो, कोई ना कोई तो अध्याय बोलोगे ही बोलोगे आप। अरे, ये गीता का वो दृग्दृश्य विवेक का दूसरा तीसरा श्लोक है, काम संकल्प संदेहो श्रद्धा शुद्धे धृति तरे हीर धीर भीर इत्येव मादीन। याद आ रहा है? तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा ये सब क्या हैं, वृत्तियां। किसकी वृत्तियां? चित्त की वृत्तियां। स्पष्ट हो रहा है? शुरुआत से कह रहा हूं आपको, जैसे काम की वृत्ति, संकल्प की वृत्ति, श्रद्धा की वृत्ति, अश्रद्धा की वृत्ति, धीर धैर्य की वृत्ति,
लज्जा की वृत्ति, ये सब क्या हो गई, डर की वृत्ति, ये सब क्या हो गई, वृत्तियां। तो कहा जाए सर्व मन एव, मतलब पूरा जो मन ही है, जो पूरा मन ही है, वो सब क्या भरा पड़ा है किससे, वृत्ति में। इसी को संस्कृत में क्या बोले, प्रत्यय। अच्छा एक तो ये हो गया, अच्छा अब दूसरा समझिए, अब थोड़ा सूक्ष्म बोला हूं। घट घटक ज्ञान को ही घट वृत्ति बोलते हैं। अब सूक्ष्म है, घट ज्ञान को ही घट वृत्ति कहते हैं। अच्छा घट ज्ञान मतलब क्या, वृत्ति से ज्ञान हुआ कि वृत्ति ही ज्ञान दे गई, हाँ? जो वृत्ति है वह खुद ही ज्ञान रूपा है, जो वृत्ति है वह खुद ज्ञान रूप, जैसे ही घट की वृत्ति बनी उसी क्षण आपको क्या हो गया, ज्ञान हो गया। इसका मतलब वृत्ति ही क्या है, एक्चुअली में ज्ञान है। अगर वृत्ति ही ना बनती, अभी उस शब्द की वृत्ति नहीं बनी तो आपको ज्ञान, उसका मतलब ज्ञान क्या हुआ बना, घटक ज्ञान मतलब क्या हुआ, घट ज्ञान मतलब क्या हुआ, घट वृत्ति ही। यदि घट की वृत्ति ना बने तो घट का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे ही घटाकार वृत्ति आई घट का ज्ञान हुआ, मतलब अब जैसे हम कहें देव दत्ताकार वृत्ति बनी तो किसका ज्ञान हो गया, देवदत्त का। गंध का ज्ञान हो गया तो किसकी वृत्ति बनी, अब उल्टा बोल रहा हूं देखो, जैसे ही आपने बोला मुझे इसका ज्ञान हो गया तो मैंने क्या पकड़ा, इसका मतलब इनकी ऐसी वृत्ति बनी होगी तभी इनको ऐसा ज्ञान। जैसे आपने बोला कि मुझे गंध का ज्ञान हो गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इत्र की खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इनके अंदर खुशबू की क्या बनी। अच्छा एक बात बता रहे हैं आपको, वस्तु होवे, वस्तु होने से उसकी वृत्ति बने ऐसा जरूरी नहीं है। वस्तु होवे और वृत्ति बने ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार वस्तु सामने पड़ी है वृत्ति नहीं बन रही है, और कई बार वस्तु सामने नहीं है। देखो अब उल्टा भी देख लो, आपका पुत्र यहां नहीं है, आपके पति यहां नहीं है, आपके माता पिता यहां नहीं है, लेकिन अभी उनका ज्ञान आपको हो गया, कैसे हो गया। तो एक बात तो कुछ समझ में आती है, वृत्ति बनने के लिए वह विषय प्रत्यक्ष हो ऐसा आवश्यक, क्या बोलते हैं, हाँ जो भी प्रत्यक्ष, तो समझ में आती इतनी सी बात। मैं क्या बोल रहा हूं, घटक ज्ञान ही घटक वृत्ति है और घटक वृत्ति ही घटक ज्ञान है। इसको अच्छे से समझिएगा, किसी विषय का ज्ञान हुआ इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वृत्ति क्या हो गई, आपको बन गई, तभी आपको ज्ञान हुआ। अच्छा अब महाराज हम लोग तो इस वृत्ति पे इतना जोर दे रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है योग शास्त्र क्या कहता है, योग शास्त्र क्या कहता है, वृत्ति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ले तो क्या करें, वो देखो चित्त वृत्ति निरोधः, लो आप देखना जरा, ये इसी को बोल रहा हूं, अच्छे से स्टडी कीजिएगा वरना रटंती ज्ञान रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा, रटंती ज्ञान रह जाएगा और कुछ नहीं।
योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्ति। अच्छा बोले ये निरोध करेंगे तो वो दृष्टा मिलेगा? बोले जितना निरोध करोगे तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम। तदा, तदा मतलब, तदा मतलब तब। बोले कब? जब वृत्ति का निरोध करोगे। वेदांत से भेद देख रहे हैं आप दोनों, पतंजलि ऋषि का। वेदांत वृत्ति के निर्माण की बात कर रहा है, वो कभी नहीं कहता कि आप वृत्ति बनाना रोक दो। कोई साधु आपसे नहीं कहेगा, और वो तो ये कहेगा आपके हाथ में भी नहीं है, थोड़ी देर कर लो तो ठीक है, ज्यादा देर तक आप 2 घंटे से ज्यादा अपनी वृत्ति को दबा के रखेंगे अंदर तो चेहरे पे दिख जाएगा, चेहरे पे दिख जाएगा गुस्सा है। ये व्यक्ति बोल नहीं रहा है लेकिन गुस्सा है। कहां से दिख गया? इसके चेहरे से दिख रहा है। इसकी वाणी जैसे ही झलकती है समझ में आ जाता है इसके अंदर कौन सी वृत्ति चल रही है, क्रोध की वृत्ति है। बना? तो पतंजलि ऋषि क्या कह रहे हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इससे होगा क्या? तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम, तब तुम दृष्टा में अपने आप क्या हो जाओगे? बैठ जाओगे। तो साधन क्या बना उनका? चित्तवृत्ति निरोध। आपके वेदांत में? बोले ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहां वृत्ति का निरुद्ध करना कोई उपाय नहीं। देखो जी अंतर दिख रहा है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये मंत्र? वो जो लाइन आखिरी बोली थी ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या बोला था? नहीं नहीं एक ये जो आखिरी में बोला था मैंने, नहीं ये न अन्य द्वारम अंतरा आत्मना विज्ञानाय, ये अंडरलाइन कर दीजिए। वैसे तो ये पूरा पैराग्राफ ही अभी अच्छा है। न अन्य द्वारम, कोई अन्य द्वार नहीं है आत्मज्ञान में आत्मा की प्राप्ति के लिए, कोई अन्य द्वार नहीं। तो बोले एक ही द्वार है, वो कौन सा द्वार है? बोले वृत्ति। इस वृत्ति को समझाने के लिए प्रतिबोध विदितम मृतम, बोध शब्द का अर्थ क्या हो गया? वृत्ति। बोधम बोधम प्रति, तो ये मंत्र हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आत्मज्ञान में आत्मा की प्राप्ति के लिए यह स्पष्ट द्वार दिखता है। जिसको यह मंत्र स्पष्ट हो गया उसको तो वह ब्रह्म तक क्या हो गया? पहुंच गया। चलिए कल देखेंगे आगे। कौन सा अध्याय? 8वां।